हेलो जी, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। आज हम लोग हैं रामनगर में। सो हम लोगों ने यहाँ पे स्टे ले लिया है। सो आपको रूम दिखाता हूँ कैसा रूम है, और यहाँ पर पूल साइड भी हमारा, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखो कुछ इस तरह का व्यू है, देख सकते हो आप। और नीचे पक्षियों की आवाज़ आ रही है जो आप अभी सुन रहे होगे। ये है पूल साइड, ये देख सकते हो, ये नीचे पक्षी घूम रहे हैं। कल हम लोग निकल जाएंगे, आज रेस्ट करेंगे हम लोग। बाकी पूल साइड पे भी लेके चलता हूँ, अभी अंडर वाटर कुछ एक्टिविटीज करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो भाई बारिश हो गया अल्टीमेट, चलो एक बार पीछे का वेदर दिखा दो ना, ऊपर से बारिश आ रही, पूरा नीचे ये दिखाओ। हाँ बारिश हो रही है गाइस, आजा अंडर वाटर और फुल बारिश के अंदर पूल के अंदर एंजॉय। आजा अंडर वाटर वन। तो जी हम लोग फाइनली पहुंच गए रिसेप्शन ऑफिस ऑफ जिम कॉर्बेट, और बाहर हमारी अभी फ़ोन आ गया नवीन भैया का, वो लोग जिप के लिए खड़े हैं। और एक चीज़ गलत हो गई जो मैं सोच रहा था ना हो, बट हो गया, दिखाता हूँ आपको क्या हुआ। ये देखो यार, बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, बादल पूरे गरज रहे हैं। अब पता नहीं हमें क्या होगा सफारी में। तो जी फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम लोग तीन लोग ही जा रहे हैं इसमें। और मौसम देख सकते हो, बारिश फिर से और तेज़ हो गई। मैंने उम्मीद नहीं थी तेज़ होने की, बट बाइक बारिश हो गई बहुत गजब। तो भाई जी अभी क्या सीन हुआ है ना, अभी बारिश की वजह से जो हम ढेला का जो पार्क है ना वो बंद हो चुका है अभी। बट फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग निकले दूसरी जगह पे। तो बेसिकली ड्राइवर भैया ने भी बात करी है, तो वो बोल रहे हैं कि एक जगह भी खुला हुआ है, तो वहाँ हम लोग राइड करने वाले हैं अभी। बेसिकली देखो क्या होता है, ढेला तो बंद हो गया है बट दूसरी लोकेशन है जो वहाँ चल रहे हैं हम लोग, और वहाँ चल के देखते हैं क्या होता है। किस्मत के ऊपर आप टाइगर देखेगा तो ठीक है, नहीं देखेगा तो क्या। सीतामणि वाले पे चल रहे हैं, सीतामणि हम लोग बेसिकली जा रहे हैं सीतामणि वाले पे। वो वाला गेट खुल रहा है अभी, खुल रहा है। चलो एक चीज़ अच्छी है कि बारिश की वजह से सारे गेट बंद नहीं हुए, तो आज की राइड नहीं तो कैंसिल होने वाली थी, बट भगवान का शुक्र है क्या आपका वहीं हमें टाइगर स्पॉट हो जाए, जो भी होगा देखते हैं। भाई लोगों जो अभी वीडियो अपने देख लो स्क्रीन पे, यही का सीन है वो, और ये सारा सीन ये था आपको लास्ट वीडियो देख ली थी, नहीं देखो तो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये देखो आप, सो ये वही का वीडियो है, यहाँ पर हुआ था, तो वो यहीं से टाइगर ने अटैक करा था। हाँ वो गया गया, देख क्या क्या वो रहा वो रहा। वो खड़ा ये सबसे ज्यादा टाइगर इन्हीं को अटैक करते हैं ना वैसे भैया। अच्छा ये देखो गाइस ये खड़ा, सो बेसिकली टाइगर का हाँ सीधा उस पे अटैक करते हैं ना, गर्दन पे हाँ सीधा नेक पकड़ देते हैं। हाँ पूरा पंख फैला के खड़ा है, अभी फैलाए होंगे इसने बारिश में ना, सुखा रहा है, अब सुखा रहा है ना, भारी हो जाते हैं। हाँ जी मोर का भी सुखा रहे हैं, यहाँ होगा फिर से परमिट पास, और यहाँ से कोई भी प्राइवेट गाड़ी अलाउड नहीं होगी, सारी यही वन विभाग की गाड़ियाँ जो रजिस्टर्ड हैं वो जाएंगी। तो चलो बाहर उतरते हैं थोड़ा सा 5-1 मिनट, और इसके बाद हम ये पहला कदम रख रहे हैं जंगल में अपना, उसके बाद कोई भी हम लोग अंदर कदम नहीं रख पाएंगे। ये हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
इसके बाद हम यहाँ जो खड़े हैं ना वो फिर नहीं खड़े हो पाएंगे हम। पता है क्या हुआ है, हमारे पीछे वाली गाड़ी को टाइगर स्पॉट हुआ है और बैड लक हमारा ये था कि एक सेकंड रह गया, बस एक सेकंड से हम लोग रह गए, बट पीछे वाली गाड़ी को टाइगर स्पॉट हुआ, भी मेन रोड पे चलता हुआ दिखाया, बैड लक था हमारा। बट देखो क्या पता अब हम आगे चल रहे हैं उनसे, ताकि अगर दिखे तो हमें दिखे, क्योंकि एक एक सेकंड में दिख रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी दिखा फिर खड़ा रहेगा, मूवमेंट के ऊपर है। अगर वो रोड क्रॉस करा तो एक सेकंड में दिखेगा, उसका भग जाएगा वो, जो कि अभी हमारे साथ हुआ। तो इसलिए हम अभी आगे चल रहे हैं, पीछे देख सकते हो पीछे गाड़ी चल रही है, वो हम फिंगर क्रॉस्ड है, देखते हैं क्या होता है। इस जगह पर सर माँ सीता माता जी का टेंपल है, 600 साल पुराना। ओके। और जब वनवास काल में त्रेता युग में जी, जब जंगल में विचरण कर रही थी माँ सीता माँ, यहाँ पर रुकी हुई थी जंगल में, यहाँ पर भी वो रुकी हुई थी और लवकुश यहीं बॉर्न हुए थे सर, और वाल्मीकि आश्रम में उनकी शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई थी आश्रम में। ओके। और काफी ये सर जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है वो उसको मेंटेन करता है सर। ठीक है। ब्रिटिश कालीन दो बंगले हैं यहाँ पर अंग्रेजों के टाइम के, यहाँ पर बंगले बने हुए आगे आगे इधर आगे, हाँ वो सामने देखेंगे सर अभी हम। ठीक है, देखेंगे वहाँ से। और वाल्मीकि आश्रम सर जाना, वहाँ पर काफी हाइट में है, ऊपर टॉप में है, वहाँ पर जाना अलाउड नहीं होता सर, काफी हाइट में है। टेम्पल हम जाएंगे नीचे, सीता माता जी का जो एनिशेंट टेम्पल है, प्राचीन मंदिर है, उसको हम देखेंगे। रामधारा है वहाँ पर है सर, रामधारा। अच्छा, रामधारा आप देखेंगे, नेचुरल स्प्रिंग वाटर होगा। और उसका जो एक खासियत होती है सर, समर में वो ठंडा हो जाता है सर अभी। ओके। और जैसे विंटर होगा तो हॉट हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। अच्छा, उल्टा है। उल्टा है सर, आज तक कैसे हुआ कुछ पता नहीं। हाँ, ये सर उसी समय नेचर से वही सीता माँ के त्रेता युग से है सर, त्रेता युग से। ये इसका जिक्र आपका रामायण में, महाभारत में जी, और आपका मानस खंड स्कंद पुराण में सर इसका जिक्र हुआ है सर। सीतावनी, सीतावनी सीता माँ वन में रही थी तब सीतावनी इसका नाम रखा गया सर। ओके। सो देखो भाई, आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा मिल रही है, मतलब इन भैया के द्वारा। तो मतलब हम लोग उसी मंदिर में हम लोग जाने वाले हैं अभी, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसी जगहों में जाने के लिए। बाकी तो यार मज़ा आता, मतलब एक टाइगर को ना देख के अगर मैं इस मंदिर में भी चला गया ना, मेरे लिए सफल हो जाएगा। टाइगर देखा ना देखे, अब वो बात की बात रह गई, अब टाइगर का जिक्र भी नहीं मेरे अंदर, अब वो मंदिर का है, बस वो मंदिर दिख जाए दैट्स इट, मेरा आना यहाँ सफल हो जाएगा। और देखो इन घने जंगल में जहाँ पर शेर कभी भी कहीं से भी स्पॉट हो सकता है, हम लोग पैदल चल रहे हैं। किधर भैया? इधर। तो चलो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं। देखो ये जो टाइगर दिख रहा है ना आपको, इसका नाम भैया बता रहे हैं सीता रख रखा है। ये बड़े बड़े बफेलों को, भैंसों को ना ऐसे उठा के ले जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा पूरे क्षेत्र में यही किल करती है। जो अंग्रेजों के हम लोग बंगलों बता रहे थे ना, वो ये देखो ये बंगलो है, ये अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। और जो अश्वमेध घोड़ा था वो बता रहे हैं कि यहाँ रोका गया था, अश्वमेध घोड़ा, जब वाल्मीकि रामायण में भी उसका जिक्र है। और सीतावनी मंदिर की एंट्री यहाँ से है, तो हम लोग यहाँ से अंदर चलने वाले हैं अभी। ये देखो रास्ता, प्राचीन मंदिर सीतावनी। सो भाई लोग यहाँ से स्टार्ट होता है मंदिर, और हम लोग यहाँ से अंदर जाने वाले हैं अभी। अंदर जाएंगे अभी, जो भैया ने इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई वो ज़रूर देखेंगे हम। सीतावनी मंदिर प्राचीन समय से उपस्थित है, और माना जाता है कि लवकुश जी का जन्म भी यहीं पर हुआ था, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ये मंदिर इतने प्राचीन है, यहाँ पर जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो जितने भी लोकल लोग हैं यहाँ के, वह यहीं पर आके अपनी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। और इतने घने जंगल में होने के कारण यहाँ पर लोकल लोगों का आना बिल्कुल भी मना है। जब भी कभी शुभ कार्य होता है, इस मंदिर के दर्शन तभी आप लोगों को हो पाएंगे। हम लोग बहुत लकी थे, जंगल सफारी के थ्रू हम लोगों को यहाँ पर भगवान शिव जी के भी दर्शन हुए, माता पार्वती जी के भी हुए। और यहाँ पर एक धारा है जो कहा जाता है गर्मियों में यहाँ पर ये ठंडी हो जाती है और सर्दियों में गर्म, कारण क्या है कोई भी नहीं जानता। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, यहाँ का पानी मैं जितना पी रहा था, इतना मीठा पानी, इतना शुद्ध पानी था कि मेरी प्यास यहाँ पर बूझ ही नहीं रही थी। तो मैं क्या करता हूँ, खूब सारा पानी पी लेता हूँ और साथ में एक बोतल भी लेके आता हूँ,
बिकॉज मैं जो ये टेस्ट था ये बिल्कुल भी अपने सफारी में मिस नहीं करने वाला था। इसी के साथ मैं अपने साथ एक बोतल कैरी करता हूँ बिकॉज इस पानी को मैं यात्रा के दौरान बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला था। फिर हम लोग जल्दी से प्रसाद लेते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं और बजरंग बली जी का नाम लेके हम इस यात्रा को मंगलमय बनाते हैं। वो अटैकिंग पोजीशन पे? हाँ बिल्कुल अटैकिंग पोजीशन पे। देना कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी। ठीक है ओके सर, बिल्कुल भी नहीं देंगे। एक मिनट रोक के चलिए, ये तो बिल्कुल पास में आ गया, बहुत ज़्यादा पास में। और ये लंगूर चला गया यहाँ से भाई जंगल के अंदर। ओ भाई सारे ऊपर बैठे लंगूर लंगूर है। अब हमारी ये राइड ख़त्म होने वाली थी। 55 किलोमीटर की इस राइड पे टाइगर ना दिखने का दुख मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा था, बट जो मन में खुशी थी वो इस बात की थी कि हम लोगों ने उस प्राचीन मंदिर में विज़िट किया जहाँ पर लोग किस्मत वाले ही जा पाते हैं। इसी की खुशी मन में लेकर मैं इस जिम कॉर्बेट के सीतामणि जंगल से बाहर आ रहा था और मन में एक इच्छा लेके जा रहा था, इन फ्यूचर दोबारा यहाँ पर विज़िट करूँगा ज़रूर।